हेलो स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट चैप्टर इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। देखो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो है ना, उसको पढ़ने से पहले आपको एंगल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, एंगल कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उनके जो कुछ कंडीशंस होती हैं वो क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंगल के बारे में पढ़ेंगे। एंगल के बारे में पढ़ने के बाद में फिर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और कौन कौन सी रेशियोज होती हैं, किस तरीके से हम साइन कोज और टैन की वैल्यूज हम लेते हैं। ठीक है, सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो अगर एंगल बोले कि एंगल क्या होता है, व्हाट इज एंगल। ठीक है, एंगल क्या है, तो जब दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है ना, जब ये दोनों लाइंस क्या कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा। ठीक है, ये क्या हो गया, एक एंगल फॉर्म हो गया थीटा। ठीक है, तो एंगल का डेफिनेशन अगर सिंपल वर्ड्स में हमें देना हो तो क्या हुआ कि जब दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं तब एक एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एंगल होते हैं, टाइप्स। ठीक है, सबसे पहला जो टाइप होता है एंगल का वो होता है आपके पास एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल। सो व्हाट इज दिस एक्यूट एंगल, मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं पूरे टाइप्स लिख लेती हूँ। एक्यूट एंगल के बाद आपके पास आता है राइट एंगल। ठीक है, क्या आता है, राइट एंगल। ठीक है, थर्ड वन आपके पास होता है ऑब्ड्यूज एंगल। ठीक है, थर्ड हो गया, एंड फोर्थ वन, फोर्थ वन आपके पास आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, देन इसके दो केसेस ही होते हैं, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का, वो इसके बाद में आते हैं। बट सबसे पहले कि ये एक्यूट एंगल, मैंने बताया आपको टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले एक्यूट एंगल, तो व्हाट इज दिस एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल जो होगा उसमें क्या होगा, आपके पास जो थीटा है, ठीक है, वो जीरो से लेके ना 90 डिग्री के बीच में होगा। ठीक है, जीरो से लेके 90 डिग्री के बीच में होगा, जीरो से लेके 90 डिग्री के बीच में होगा आपका थीटा। जब राइट एंगल होता है तो एग्जैक्ट आपको पता ही होगा, ये तो क्या होता है 90 डिग्री, है ना, राइट एंगल में। जब ऑब्ट्यूज एंगल होता है उसमें आपका जो थीटा है वो 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री, ठीक है, इसके बीच में होगा, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। उसके बाद आपके पास आते हैं रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल देखो 180 डिग्री लेस देन थीटा इज लेस देन 360 डिग्री, मतलब इसमें जो एंगल थीटा होता है वो किस किस के बीच में होता है, वो आपके 180 टू 360 डिग्री के बीच में होगा। ठीक है, फर्स्ट एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जिसमें जो थीटा है वो जीरो से लेके 90 डिग्री के बीच में रहेगा। ठीक है, दूसरा आएंगे राइट एंगल, तो राइट एंगल वो एंगल होते हैं जहां पे आपके एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। ठीक है, तो थर्ड वन आता है ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, जब आपको जो ये थीटा है वो 90 डिग्री से 180 डिग्री इस बीच में रहेगा। लास्ट वन दैट इज योर रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है, जो आपका थीटा है वो 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में रहता है। ठीक है, अब इसके बाद में ही आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, ये दो चीजें और होती हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, तो मैं आपको यहीं पर ही बता देती हूँ यहाँ। ठीक है, तो जब आपको मान लो आपके पास दो एंगल देके रखे हैं, कोई भी है ना, दो एंगल देके रखे हैं, थीटा वन प्लस थीटा टू जो है, ठीक है, थीटा वन प्लस थीटा टू जब आपके पास 90 डिग्री आएगा तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, क्या कंडीशन होती है, जब दो एंगल को ऐड करोगे, थीटा वन और थीटा टू को ऐड करोगे तो वो किसके बराबर आएगा, 90 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है,
ये आगे कंडीशन कॉम्प्लीमेंट्री के लिए, दूसरा होता है सप्लीमेंट्री के लिए। ठीक है, सप्लीमेंट्री में क्या होता है, जो दोनों एंगल होते हैं ना थीटा वन प्लस थीटा टू, जो इनका सम है वो आपका 180 डिग्री के बराबर आता है। ठीक है, तो ये किसके लिए होता है, सप्लीमेंट्री के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है, सप्लीमेंट्री के लिए होता है। फर्स्ट क्या है कि थीटा वन प्लस थीटा टू सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। सेकेंड वन है कि वेन सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन क्या बोलेंगे इसको, सप्लीमेंट्री बोलेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन है जैसे मान लो आपको बोला है कि कन्वर्ट 60 डिग्री इंटू कॉम्प्लीमेंट्री एंड कन्वर्ट 135 इंटू सप्लीमेंट्री। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या करना है कन्वर्ट, हमने कन्वर्ट क्या करना है, कन्वर्ट 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है इंटू कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, कन्वर्ट ही करोगे, कन्वर्ट क्या कन्वर्ट करना है, 135 को कन्वर्ट करो इनटू सप्लीमेंट्री में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट करना है, सप्लीमेंट्री में कन्वर्ट करना है। तो आपको मैंने कॉम्प्लीमेंट्री के लिए कंडीशन बताई क्या कि थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री। अब आप अगर देखोगे सॉल्यूशन 60 डिग्री को देखेंगे हम, 60 डिग्री तो 60 डिग्री में अब कॉम्प्लीमेंट्री है, मींस दैट हमें 90 डिग्री लेना है। ठीक है, तो 90 डिग्री से कम है ना ये 60 डिग्री, तो 90 डिग्री से कितना कम है, ये कितना कम है, ठीक है कितना कम है, 30 डिग्री। तो 90 से जब आप 30 माइनस करोगे तो ये क्या बन गया आपका, कॉम्प्लीमेंट्री की फॉर्म में ये चेंज हो गया। ठीक है, 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस तरीके से आपने इसको चेंज कर दिया। सेम यहाँ पे देखो, सप्लीमेंट्री के लिए 135 है, तो 135 180 डिग्री से कितना कम है, 180 डिग्री माइनस 45। ठीक है, ये आ गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो कुछ नहीं करना होता है इसमें, सिर्फ आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि कॉम्प्लीमेंट्री के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब कोई भी एंगल कन्वर्ट करने के लिए दिया हो कॉम्प्लीमेंट्री में, ठीक है कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट करने के लिए दिया, तब आपने क्या करना है, वहां 90 डिग्री लेना ही लेना है। ठीक है, 90 डिग्री में या तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, बट मस्ट 90 डिग्री लेना ही लेना है। उसके बाद दूसरा आता है सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री में आपने लेना होता है 180 डिग्री एज पर द कंडीशन, क्या है, थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 135 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 जब करोगे तो 135 भी आएगा, तब ये किसमें कन्वर्ट हुआ, ये हो गया आपका सप्लीमेंट्री में कन्वर्ट। ठीक है, अब